पप्पू यादव के आगे तेजस्वी का नहीं चला पूर्णिया में जलवा, तेजस्वी की सभा में नहीं जुटी भी। बीते दिन तेजस्वी यादव पूर्णिया लोकसभा अंतर्गत बनमनखी विधानसभा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस जनसभा में 400 लोगों की भीड़ भी नहीं जुटी। वीडियो ने खोल दी पोल। लेकिन हमने कभी जवाब पलट के नहीं दिया। हम बोले तेरे जी बीजेपी वाला दिलवा रहा है, पैसा उन पर खर्च कर रहा है ताकि हम लोग का वोट हो जाएगा और बीजेपी आ जाएगा। इसीलिए खड़ा किया गया। बीजेपी के पैसे पे हेलीकॉप्टर को उपयोग कर दिया। आप लोगों को पता नहीं सुरक्षा भी दिया था केंद्र सरकार ने। क्यों दिया था सुरक्षा केंद्र जी का? क्यों दिया? आजकल जो बीजेपी में रहता है उसी को सुरक्षा मिलता है। पहला मिला था बाइक का डिग्री का सुरक्षा। अरे सब लोग हम लोग जानते हैं खेला क्या करना चाहते थे, माहौल किस तरह से आकर के लोगों को बिगाड़ना चाहते थे। नकारात्मक नेगेटिव राजनीति से नहीं होने वाला है। बात बात पे रोना बहुत आसान है, नौटंकी करना आसान है। ऐसा नेता चाहिए जो नौटंकी ना करे, बात बात पे रोए ना। मजबूत इरादा होना चाहिए ताकि आपके सपनों को पूरा कर सके। लालू जी को क्या काम किया? यहाँ पे मुकदमा चल पचा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, सबका मुकदमा मेरे ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरी माता के ऊपर, मेरी सातों बहनों के ऊपर। हम बताने जा रहे हैं कि बीजेपी वाला हमको कितना तंग कर रहा है। अभी भी लालू जी मेरे आंख से आंसू देखे, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट अरे मेरा पार्टी का, हम अपना पार्टी का टिकट बांटेंगे। आपका पार्टी का लड़ते अपने पार्टी से कहना कांग्रेस में के नहीं दिया तो मेरा अधिकार बनता। बार बार करोड़ टिकट नहीं मिला हमको, नहीं मिला तो ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे भाई आपको आपकी चिंता है, हमको अपने मुल्क की चिंता है। ये लोग आएंगे सोच लेना, अगर आ गया भाजपा वाला, अगर आ गया देश से संविधान खत्म हुआ तो क्या करेगा? आज पूरे देश में एक लालू जी ऐसे नेता है जो बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं, और भाजपा के लोग अगर सबसे ज्यादा डरता है तो लालू यादव जी से डरने का काम करते हैं। अगर लालू जी को